मंदसौर जिले में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या को देखते हुए पुलिस BF लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए मैदान में उतर गई है। सीएसपी थाना प्रभारी कोतवाली की टीम ने शहर का भ्रमण किया और जहां भी लोग बेवजह बाहर घूमते हुए लोग पाए गए उन्हें रोककर समझाइश भी दी गई और कुछ लोगों को लाठी डंडे भी टिकाए गए। जो युवा एक बाइक पर 3 सवार होकर जा रहे थे उनसे कान पकड़कर उठक बैठक लगवाए गए। ये पहला मौका है जब पुलिस इस तरह सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रही है। अन्यथा इसके पहले पुलिस किसी भी आने जाने वालों को रोक नहीं रही थी, लेकिन अचानक ही शहर में बेवजह घूमने वालों की तादाद बढ़ने लगी, जिसे देखते हुए आज पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई है। सर, किस तरह से व्यवस्था को संभाला जा रहा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है? जैसे आपको मालूम है कि जो कोरोना की जो सेकेंड वेव है बहुत खतरनाक तरीके से फैल रही है, इसलिए लोगों को जो है लॉकडाउन लगाया गया है और उसको जो है सख्ती से पालन कराया जा रहा है और लोगों को सख्ती राय दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, जिससे ये कोरोना की जो चेन है वो ब्रेक हो सके और इसको जो लॉकडाउन लगाया गया उसका पूरा सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लोगों में क्या है कि कॉमन पाई जा रही है, बताया जा रहा है कि अस्पताल की पर्चियाँ मिल रही है दवाई, कुछ लोग जो है मेडिकल जो लोग मिल रहे हैं बाज़ार में जो मेडिकल के पर्चे वो बीमारी के पर्चे बता रहे हैं अपने और इसी कारण उनको जो है उसकी छूट मिली हुई है, लेकिन उनको भी समझाई जाने लोग पुराने पर पुराने डेट के पर्चे भी दिखा रहे हैं लोग। हाँ, एक दो केस ऐसे आए हैं जिनमें पुराने पर्चे मिले हैं और वो ये बता रहे हैं कि हमें वही दवाई लेनी है, इस कारण ये बता रहे हैं। सर, माना जाए मंदसौर में सख्ती से लॉकडाउन का पालन? बिल्कुल सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है और लोगों को कड़ाई से समझाई दी जा रही है। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।